नमस्कार, मैं हूं सीएस चौहान। आप देख रहे हैं सामना लाइव न्यूज चैनल। आज भी छला जा रहा है देश के अन्नदाता को। मध्य प्रदेश में किसानों की सुविधा के लिए कृषि समितियां बनाई गई थी, लेकिन इससे कृषकों की उतनी ही आसानी नहीं हुई जितनी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। और भी समितियां कृषकों को ठगने का काम कर रही हैं। ताजा मामला है घुआरा क्षेत्र के रामटोरिया समिति का, जहां पर फूल सिंह लोधी नामक किसान ने आरोप लगाया कि रामटोरिया समिति प्रबंधक यादविन सिंह व पूर्व सरपंच गजाधर लोधी ने बैंक प्रबंधक के साथ मिलकर फर्जी अंगूठा लगाकर मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए एवं फूल सिंह लोधी की चेक बुक से षड्यंत्रकारियों ने चेक फाड़ ली तथा फूल सिंह पर उल्टा चेक बाउंस का केस लगा दिया, जिससे पीड़ित किसान ने विधायक से लेकर कलेक्टर तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है, जिससे किसानों का नेताओं एवं अधिकारियों से विश्वास उठता जा रहा है। भाई आपका कहाँ की रहने वाले? कौन सी सोसाइटी लगी? क्या हुआ है तुम्हारे? मेरे पति के खाते में से पैसे निकाले चोरी से। कितने पैसे निकल गए? 3.5 लाख। किसने निकाले? एक बंदे बोलता और गजाधर लोधी कुंजोरा और जगन्नाथ बाबू के वो बेटा दे। क्या हुआ तुम्हारा? हमने साथ उनके उन लोगों के ऊपर 27 तारीख को FIR कट रही थी। विधायक जी आए कांग्रेस के, उनने बोला कि आपके पैसे मिलेंगे इन लोगों के ऊपर FIR ना कटाओ। मैंने कहा हाँ पैसे दे दो। उन्हें पैसे दिए सब, उनने विधायक जी ने और मिल जोड़ के मेरे पति के ऊपर केस लगवा दिया है मनोहर न्यायालय से। अभी तुम्हारे पति के ऊपर उल्टा केस लग गया? हाँ, लग गया न्यायालय से 11 तारीख को। और विधायक, एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? फूल सिंह लोधी गुंजोरा। कहाँ के रहने वाले? गुंजोरा। और कौन सी सोसाइटी लगती है? रामटोरिया। तो क्या हुआ तुम्हारे साथ? उगा के साथ बुनने की खाद बीच के ला रहे थे, आओ कार्यालय में सोसाइटी सुनने की गई पे ऊँटा लगा दे। तो एक चेक पे ऊँटा लगाओ। उनने जब चाय ले आओ, चाय ले आने के बाद उनने क्या चेक फाड़े हैं। अच्छा, चोरी से। अब जो नहीं है हमें सब पता। तो तुम्हारे खिलाफ क्या हुआ है? हमारे खिलाफ जो हुआ कि उनने चेक बाउंस करवा दो, न्यायालय में केस लग दो। कितने का है? 1,10,000।